फिरोजपुर की तहसील जीरा में आज उसमें हड़कंप मच गया जब वर्कर मैनेजमेंट कमेटी जीरा के 5 सदस्य टंकी पर चढ़ गए जो कि अमृतसर बाईपास के निकट थी। वहीं इसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने यूनियन के नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन कोई भी बात पूरी नहीं हुई और मजदूर अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक वह टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। वहीं सबसे पहले मौके पर पहुंचे डीएसपी जीरा ने यूनियन के नेताओं को समझाने का प्रयास किया पर बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। इसके बाद एसडीएम जीरा नरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और यूनियन के नेताओं के साथ बातचीत की और यूनियन के कुछ नेताओं ने उनकी मीटिंग डीसी फिरोजपुर से मिलवाने के लिए की बात कही और साथ ले गए। पर उधर यूनियन के जो नेता टंकी पर चढ़े थे वो टंकी पर ही चढ़े रहे। यूनियन के नेता ने बताया कि वह माल ढुलाई के काम करते हैं और उनके द्वारा इस काम का टेंडर डाला गया था जो कि 2 अप्रैल को खुलना था, लेकिन उन्हें कल पता लगा कि उनका टेंडर रद्द कर दिया गया है जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने बताया कि इस काम के साथ उनके 300 परिवारों का घर चलता है और जब तक उनकी मांग मानी ही मानी जाएगी तो संघर्ष जारी रहेगा। पंजाब सरकार दी हदायतों के मुताबिक वर्कर मैनेजमेंट कमेटियां ने पूरे पंजाब दे विच टेंडर पाए सीगे। टेंडर पाउण तो बाद पहल दे आधार ते उन्हां टेंडर मिलने सीगे, पर की होया कि पूरे पंजाब दे विच सारियां वर्कर मैनेजमेंट कमेटियां नूं टेंडर मिल चुके आ। साडे जिहड़े फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट दे सीगे सारे वर्कर मैनेजमेंट कमेटियां दे टेंडर सी जिहड़े उह बिना वजह तो कैंसल कर दित्ते आ। कल असीं डीसी साहब नूं अपना जिहड़ा सीगा लैटर सीगा मंग पत्र सीगा उह डायरी करा चुके हैं पर साडी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जीएफसी साहब है वह नहीं मिल रहे, डीसी साहब कह रहे जीएफसी साहब करनगे, वो साडी सुनवाई ना होण करके सानू अंदर खाते पता लगा कि 10 तरीक नूं यानी कि परसों जिहड़ा हैगा ये अपना टेंडर हो जाने। टेंडर होने तो बाद देखो जी असीं कुछ नहीं कर सकते गे, साडा 300 परिवार जिहड़ा हैगा बिल्कुल रोड ते आ जाएगा। 300 जागृति लहर के लिए जीरा से कैमरामैन रवीश शर्मा रिशु के साथ स्टीच विच की रिपोर्ट।